आप लोग जो खबर फैलाते हैं अब उससे भ्रम की स्थिति बनती है। विधायक गायब हैं, मोबाइल स्विच ऑफ है। देखिए निजी काम पे भी तो लोग होते हैं, कई बार व्यवस्था इस तरह की होती है। अब ये तो आप लोगों का मेरे प्रति प्यार है जो सुर्खियों में बनाए रखते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बोल के गई थी और उन लोगों ने मुझे न्योता भी इसीलिए नहीं दिया क्योंकि उनको बखूबी पता था कि मैं नहीं हूँ पटना में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ अब्जी सिंह। कल यानी कि 12 फरवरी को एनडीए सरकार की बहुमत सिद्ध करना है, जिस तरह से महागठबंधन ने चुनौती दिया है। और वहीं बात करें तो लगातार जो कहा जा रहा है कि विधायक हैं जो गायब चल रहे हैं, जिस तरह से बात करें कि कल जदयू के द्वारा जो भोज आयोजन किया गया था जिसमें जो उनके विधायक हैं शालिनी मिश्रा वो मौजूद नहीं थे, तो साफ तौर पर कहा जा रहा था कि वो नाराज चल रहे हैं। वहीं बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर ट्वीट करके जानकारी भी दी थी कि ऐसे भरमाक खबर फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है, वो हमारे साथ आ रहे हैं पटना। तो जब वो पटना एयरपोर्ट शालिनी मिश्रा और उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे तो महागठबंधन पर जमकर बरसते दिख रहे हैं। पहले क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुन उनकी बातों को। आप लोग जो खबर फैलाते हैं अब उससे भ्रम की स्थिति बनती है। विधायक गायब हैं, मोबाइल स्विच ऑफ है। देखिए निजी काम पे भी तो लोग होते हैं, कई बार व्यवस्था इस तरह की होती है, लेकिन खबरों से भ्रम तो फैल ही जाता है। तो इसलिए शालिनी मिश्रा जी हमारे साथ अभी यात्रा करके दिल्ली से पटना आई हैं उसी सेम फ्लाइट में, तो इसलिए हमने बताया कि भाई लोग विधायक लोग हैं, सही समय पर पहुंच जाएंगे, चिंता मत कीजिए। आरजेडी के विधायक और माले के विधायक और वाम दल के विधायकों को दो दिन से कल से ही तेजस्वी यादव के आवास पे रख लिया गया है, फ्लोर टेस्ट के दिन ले जाया जाए। देखिए उनको भरोसा नहीं है अपने विधायकों पर, बोलने के लिए बोलते हैं कि खेला होगा, लेकिन उनको भरोसा ही नहीं अपने लोगों पर, और नहीं भरोसा इसलिए कैद करके एक तरह से लोगों को रखा है। दूसरे के बारे में कह रहे हैं खेला, उनके यहाँ खेला होने वाला है। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी में रहेंगे या जदयू के साथ भी जा सकते हैं? नहीं नहीं, ये तो जदयू के साथ हो, गठबंधन में हम लोग हैं ही, गठबंधन में हैं, गठबंधन में रहेंगे। मांझी जी को प्रलोभन दिया जा रहा है, भाकपा माले के विधायक हैं जो उनके घर गए थे। नहीं, क्या प्रलोभन किनको दिया जा रहा है, लेकिन प्रलोभन देने की बात नहीं होनी चाहिए। सभी विधायक माननीय सदस्य सब लोग खुद ही सक्षम हैं सोचने में, और जिनकी जहां आस्था है, जिनका जहां गठबंधन है, उसके बावजूद कोई आदमी प्रलोभन दे रहा है, लोभ दे रहा है, यह गलत है। अमित शाह जी ने सीए, अब ये तो आप लोगों का मेरे प्रति प्यार है जो सुर्खियों में बनाए रखते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बोल के गई थी और उन लोगों ने मुझे न्योता भी इसीलिए नहीं दिया क्योंकि उनको बखूबी पता था कि मैं नहीं हूँ पटना में। और किसी ने भी पार्टी के किसी नेतृत्व के नेता ने, किसी भी बड़े नेता ने मुझे फ़ोन करके कल पूछा भी नहीं कि आप क्यों नहीं आई हैं, क्योंकि वो जानते थे अच्छी तरह से कि मैं नहीं। क्या होगा फ्लोर टेस्ट में? बिल्कुल, हम लोग फ्लोर टेस्ट में फ्लाइंग कलर से बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से 1000% पास करने जा रहे हैं और सब पे पूर्ण विराम लगने वाला है। एनडीए की सरकार पूरी तरह से, डबल इंजन की सरकार जो है, पूरी तरह से सक्सेसफुली बिहार के विकास में आगे की ओर बढ़ेगी। पर आरजेडी के विधायकों को तो में इनसिक्योरिटी आ रही है, इनसिक्योरिटी की वजह से विधायकों को जगह जगह पे रखा जा रहा है। आप देखेंगे हमारे जेडीयू के विधायकों को, बल्कि एनडीए के विधायकों को भी जगह जगह नहीं रखा जा रहा है। हमारा नेतृत्व, तो हमारी पार्टी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम लोग सभी विधायक चट्टानी एकता के साथ उनके साथ हैं, और इसीलिए हमें बिल्कुल नहीं कहा गया कि आप यहाँ आके रहें, यहाँ आके बैठें, और हम जहाँ भी हैं स्वतंत्र हैं। मुझे तो दिल्ली जाना था और मुझे उन लोगों ने बिल्कुल एक बार भी नहीं कहा आप नहीं जा सकती हैं। मैं गई और मैं जाके आ गई और मेरे पे एक बार भी सवाल भी नहीं उठा कि आप क्यों नहीं। क्या लगता है सभी जदयू के विधायक इंटैक्ट हैं? 100% नहीं, 1000% इंटैक्ट हैं। तो आज सभी विधायक दल के बैठक में दिखेंगे, आज आप लोगों की बैठक, मुझे तो लगता है ऐसा होना चाहिए। सब लोग आएंगे ही आएंगे और आप कल इसका रिजल्ट आ जाएगा, पूर्ण विराम लगेगा फ्लोर टेस्ट। पर जेडीयू के विधायक पे भी जो महागठबंधन के लोग हैं वो हैं, कोई टूटना चाहेंगे तो टूटने के लिए भी तैयार है, आप कह रहे हैं कि हमारे पास वो संख्या होगी, कल आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जेडीयू के विधायक बिल्कुल इंटैक्ट हैं और बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पे विश्वास रखते हैं, और ऐसा कभी भी नहीं होगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। आप लिख के रख लें, मैं लिख के दे रही हूँ। महागठबंधन के विधायक
विधायक हैं वो आके मिल रहे हैं और बातें कर रहे हैं, क्या लग रहा है? जीतन राम मांझी पहले ही से इनका नहीं, नहीं उनका आपने देखा होगा खुद भी नहीं मीडिया से है, उनका बयान आया है कि मैं एनडीए के साथ था और रहूँगा। जीतन राम मांझी जी कभी भी अलग नहीं जाएंगे, उनका बयान आ चुका है, बहुत ऑथेंटिक आया। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा और शालिनी मिश्रा साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोग इंटैक्ट हैं और एनडीए की सरकार फिर से स्थापित होगी। जिस तरह से ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम लोग नाराज हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शीर्ष नेता है जो जान रहे थे कि हमारी तबीयत खराब थी, हम बाहर गए थे, और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा भी साफ तौर पर जो महागठबंधन पर जमकर बरस रहे हैं। तमाम खबर बनाया न्यूज़ फोरम के साथ, नमस्कार।